नमस्कार दोस्तों, बहुत ही स्पेशल त्यौहार के लिए मिठाई का रेसिपी है जिसको बनाना बहुत इजी तरीका है। एकदम कम सामान के साथ ही बनेगा, बहुत परफेक्ट ये मिठाई बना है। जो पनीर का ये मिठाई है बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्वाद से भरपूर बनेगा। देखिए 200 ग्राम से थोड़ा सा कम ही हमारा पनीर है, इसको हाथ से मसल लेना है। आलू मैचर से भी आप इसे मैच कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे हाथों से मसल करके साइड में रख लीजिए। कढ़ाई गर्म होने तक छोड़ना है, चूल्हा ऑन कर लीजिए, मीडियम फ्लेम आँच रखना है। कढ़ाई गर्म होने पर इसमें छोटे चम्मच से 4-5 चम्मच घी डालिए। अगर आपके पास बड़े चम्मच है तो बड़े चम्मच से भी आप 2 चम्मच ले सकते हैं। देसी घी है, आप कोई भी घी जो आप यूज करते हैं उसको डाल सकते हैं। अब इस घी डालने के बाद में 250 ग्राम घी, 250 ग्राम दूध और 120 ग्राम मिल्क पाउडर, इस बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 250 ग्राम दूध में 120 ग्राम मिल्क पाउडर, आप कोई भी ब्रांड के ले सकते हैं। अब इसको बढ़िया से घुला मिला लेना है, बढ़िया से घुल मिल करके पक जाएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस बताऊंगी, वीडियो पे बने रहिएगा। बहुत ही स्पेशल रेसिपी होने वाला है दोस्तों, जिसको बनाने का तरीका बहुत ईजी रहेगा। अब इसमें 240 ग्राम चीनी, 240 ग्राम चीनी से बहुत ही बढ़िया बनेगा मिठाई। अब चीनी घुल जाने के बाद में पनीर डालना है, बिना चीनी घुले हुए पनीर ना डालिएगा। जब चीनी घुल जाएगा उसके बाद पनीर डाल करके बढ़िया से इसे मीडियम फ्लेम आंच पे पकाना है। 8 से 10 मिनट तक घड़ी के टाइम से पकेगा। उसके बाद इलायची पाउडर, 2-3 इलायची कूटकर मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर होगा तो आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं छोटे पिंच से। देखिए बहुत बढ़िया मावा की तरह तैयार हो गया है, लेकिन मावा का ये स्वाद नहीं आएगा। इसमें पनीर और मिल्क पाउडर मिक्स है दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त मार्केट की तरह मिठाई का स्वाद लगेगा, जिसको बनाते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इस तरह से अगर बनाइएगा तो, जिसको मिल्क केक भी कहते हैं या मिल्क बर्फी भी बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद के साथ बना है। अब इसको बढ़िया से सेट कर देना है। आप इस बात पे ध्यान दीजिए, देखिए कि कितना मैं गीला डो को रखी हूँ। ज़्यादा गीला ना रखिएगा और ना ज़्यादा हार्ड कीजिएगा, थोड़ा नॉर्मल रखिएगा जिससे जमने में आसान हो जाए और सॉफ्ट बर्फी बन के तैयार हो जाए। अब हाफ उसमें व्हाइट कलर सेट करके हाफ में पिंक कलर मिलाना है। आपके पास कोई भी कलर अवेलेबल होगा तो आप मिला सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चे पिंक कलर पसंद करते हैं इसलिए मैं पिंक कलर मिला रही हूँ। पिंक कलर मिला लेने के बाद में इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। इसको फिर बढ़िया से सेट कर देना है। ऊपर वाला पार्ट में पिंक कलर सेट कीजिए, जिससे हाफ व्हाइट और हाफ पिंक कलर बन के बर्फी तैयार होगा। इस तरह से ऐसे बिखेर करके बढ़िया से सेट करना है, जिसे बराबर बराबर पिंक और व्हाइट का कलर दिखे। अब इसे हाथों से बराबर कर देना है, हल्का सा घी लगा करके, जिसे हाथ में चिपके ना। ऐसे हाथों से बराबर कर देने के बाद में पंखा के हवा के पास रखिएगा 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक रख सकते हैं। फ्रिज में बिल्कुल ना रखिएगा, फ्रिज में थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ पंखा के हवा के पास आप 20 मिनट तक इसे रख सकते हैं। सेट हो जाने के बाद में मैं कटिंग करके दिखाऊंगी, वीडियो पे बने रहिए। बहुत ही खास ये रेसिपी होने वाला है दोस्तों, जिसको आप बाजार वाला स्वाद के रेसिपी घर पे बना सकते हैं। इजी तरीका है, सामान कम है इसमें, बिल्कुल कम सामान के साथ लगा है। मैं घर के दूध से ही पनीर बनाई थी, उसी से मैं बनाई हूँ। इसमें मार्केट का कोई ज़्यादा खास सामान नहीं लगा है। मिल्क पाउडर तो ऐसे ही घर में लोग रखते हैं, उसी को मैं यूज की हूँ। अब देखिए बैटर पेपर लगा कर मैं सेट की थी, ऊपर से बैटर पेपर को निकाल लेना है एक प्लेट में पलट करके। अब इसे अपना अंदाज से कटिंग लगाइए, जो आपको कटिंग पसंद है उस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैं थोड़ा सा लंबा आकार के
मिल्क केक का आकार मैं दे रही हूँ। अब इसको कटिंग कर लेने के बाद में मैं दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया पिंक कलर और वाइट कलर मिक्स होके बना है। अब साइड वाला पार्ट थोड़ा सा मैं हटा दे रही हूँ दोस्तों, जिसको तोड़कर मैं दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट ये बर्फी बना है। देखिए, अगर ये रात भर के लिए या दिन भर के लिए, अगर दिन में बनाएं तो दिन भर के लिए रहेगा तो बहुत बढ़िया और सेट हो जाएगा, रात भर के लिए छोड़ेंगे तो और बढ़िया सेट हो जाएगा। लेकिन मैं जल्दीबाजी में बनाई हूँ इसलिए मैं 20 मिनट बाद ही इसे कटिंग करके दिखा रही हूँ, फिर भी बहुत बढ़िया सेट हुआ है दोस्तों। तो सेम तरीका आप अपना सकते हैं, एकदम हमारा आइडिया को फॉलो कीजिए, आप बनाइए घर पे। इस तरह से रक्षाबंधन आने वाला है, स्वादिष्ट मिठाई आप घर पे बनाइए, बच्चों को खुश कीजिए। एकदम महंगी सी मिठाई ये घर पे आप बना सकते हैं कम खर्चा में। चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, एक लाइक एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं हर एक रेसिपी दे सकूं। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाइए, बहुत सारा रेसिपी दिया हुआ है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।